गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। आज इज सैटरडे लाइव। कल रात को इतना लेट हो गया कि मैं इवेंट क्रिएट ही नहीं कर पाई। आज सुबह जैसे उठी वैसे मैंने इवेंट क्रिएट कर दिया और सबको मैसेजेस भेज दिया, तो जिनको भी पॉसिबल होगा वो आज लाइव ज्वाइन करेंगे और बाद में मैं रिकॉर्डेड लाइव भी भेज दूंगी ग्रुप पे, जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है। और इस बार बहुत सारे जन नए ऐड हो गए ब्रॉडकास्ट में। लास्ट वीक में बहुत सारे नए नए लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया, मतलब मुझे पर्सनल मैसेज किया एंड दे वर लाइक प्लीज़ हमको भी आपके ग्रुप में ऐड कर दो सो दैट वी ऑल्सो रिसीव फोटोज एंड ऑल। तो बहुत नए लोग भी ज्वाइन हो गए, सो थैंक यू एंड वेलकम टू माय कलेक्शन इशिता स्टाइल ज्वेलरी का। सो आज है ग्रे कलर, सो आई एम ब्यूटिफुली ड्रेस्ड अप इन दिस ग्रे कलर। मतलब इतने बार नवरात्रि होके गया लेकिन मेरे पास कोई ग्रे कलर का ड्रेस नहीं था। हर साल में एक ग्रे कलर का मेरे पास टी शर्ट था ना, मैं हमेशा वही पहना करती थी। और मुझे लास्ट ईयर ही ऐसा था कि नेक्स्ट ईयर तो मैं ये टी शर्ट नहीं पहनने वाली हूँ, मुझे नेक्स्ट ईयर ड्रेस ही चाहिए। तो जब मैं मम्मी के यहाँ पे गई थी नाड़को मार्केट, इसको ऑलमोस्ट 6-8 महीना हो गया होगा, तभी ये वाला प्रिंट ना बहुत ट्रेंडिंग में था। ये प्लाजो वाला सेट विद दुपट्टा आता है, लेकिन मैंने दुपट्टे के साथ नहीं लिया बिकॉज आई डोंट यूज़ दुपट्टा, तो बिना मतलब वो ऐसे ही एक्स्ट्रा हो जाता, इसलिए मैंने विदाउट दुपट्टा का ये कुछ 550 का सेट लिया था तभी का ग्रे कलर का। और मैंने तब भी डिसाइड किया था कि इसको मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, भले ही कितना भी आउट ऑफ फैशन हो जाए, इसको मैं नवरात्रि के दिन जिस दिन ग्रे कलर आएगा, क्योंकि हर साल ग्रे कलर तो रहता ही है, तो जिस दिन नवरात्रि का ग्रे कलर आएगा उसी दिन मैं इसको निकालूंगी और पहन लूंगी। तो ये एकदम फ्रेश है जो मैंने आज नवरात्रि के दिन के लिए रखा था। तो मुझे पता है आप में से कितने सारे जन के पास शायद ऐसा वाला ड्रेस प्लाजो सेट होगा और ये बहुत जूना हो चुका है, बट स्टिल आई जस्ट लव द कलर प्रिंट एंड आई मैं इसको तो नवरात्रि के दिन ही पहनूंगी। और मैंने उसके साथ ये मैचिंग देखी ग्रे कलर का इयर रिंग पहना है, ये मेरे पास ये मैंने मेरे लिए रखा है और एक एक्स्ट्रा पीस है, तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। इट्स ओनली फॉर 150 रुपीज़। अभी अगर वो लाइव में चला गया तो आई हैव नो आइडिया, बट अगर नहीं गया तो आप लोग को मिल सकता है। इसमें बहुत सारे कलर्स आए थे और सब रक्षाबंधन में सोल्ड आउट हो गया और अभी ये रीस्टॉक भी नहीं हो रहा क्योंकि इसका कलेक्शन है ही नहीं वहाँ पे जहाँ से मैं स्टॉक लाती हूँ। तो एक ही पीस बचा, अगर आप लोगों को लेना होगा तो साइड में पूरा मोती है और अंदर पूरा मीनाकारी का प्रिंट वर्क किया है, हैंड प्रिंट वर्क है, बहुत सुंदर सा है। मैं भी रेडी नहीं हुई हूँ, मैंने खाना बना लिया, पुलाव बना दिया, रायता बना दिया, चपाती का डो रेडी करके रख दिया और कल का सब्जी है दही मंगा दिया सुबह सुशांत के साथ जब वो वॉक करने गया था। 2-3 दिन से अभी वॉक करने जाता है रोज़ सुबह उठ के, तो दही वो लेकर आया था। तो दही चपाती, कल का भाजी है, पुलाव है, रायता है, पापड़ अचार है, तो ये आज का हम लोग का मेनू है। और आज का डे देखते कैसे जाता है, पहले तो मेरा सैटरडे का लाइव कर दूँ। और एक तो घर में मैं इतनी बिजी हूँ शादी के इसमें तैयारी में एंड प्लस फेस्टिवल चालू है, तो यहाँ दर्शन के लिए जाओ वहाँ जाओ, उसमें टाइम इतना जा रहा है ना कि मेरे सारे पार्सल डिले हो रहे हैं। मतलब जो मतलब आज मुझे अगर पेमेंट मिल जाता था तो इमीडिएटली मैं नेक्स्ट डे उसका डिस्पैचिंग कर देती थी, बट अभी मुझे 2-2-3-3 दिन लेट हो रहा है क्योंकि पैकिंग ही नहीं हो पा रहा। और कैसे बिना प्रॉपर पैकिंग किया भेज नहीं सकते हो क्योंकि ज्वेलरी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। मैंने सोचा उससे अच्छा भले 1-2 दिन लेट चला जाएगा बट सेफली जाएगा। जिनका भी नवरात्रि वाला अर्जेंट था ना वो सब मैंने डिस्पैच करा दिया। अब जो रिलैक्स वाले हैं ना कि हाँ इशिता 2-3 दिन लेट आएगा तो भी चलेगा, इतना अर्जेंट नहीं है, वो सारा बैकलॉग हो गया। और आज सैटरडे है, आज वापस लाइव होगा, वापस बुकिंग होगा, तो मंडे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है नेक्स्ट वीक टू डू पैकिंग, बट दैट इज़ ओके। जिनका अर्जेंट होगा मैं उनका फर्स्ट डिस्पैच करूँगी, जो आराम काम वाले हैं उनको नेक्स्ट इसमें डाल दूँगी। और वैसे भी सब मेरे साथ कॉपरेट करते, आप में से सब लोग समझ के ही लेते कि इशिता येस वी अंडरस्टैंड हाउ बिजी यू आर, तो इसके लिए डोंट टेक टेंशन, जैसे भी तुझे पॉसिबल होगा तब तो डिस्पैच कर देना, सिर्फ जिस दिन डिस्पैच करेगी उस दिन बता देना। तो मैं जैसे डिस्पैच करती हूँ सेम डे मैसेज डाल देती हूँ कि आपका पार्सल डिस्पैच हो गया, ये स्क्रीनशॉट है भेज देती हूँ। तो एनी वेज नाउ लेट मी गो गेट रेडी एंड कम। और आज मैं लाइव में भी यही पहनने वाली हूँ, नॉट गोइंग टू वेयर साड़ी, तो इसके ऊपर ही जो कलेक्शन अच्छा दिखेगा। अभी करवा चौथ आ रहा है 13 तारीख को, बाय द वे आज 1 अक्टूबर है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, देखते देखते कैसा टाइम फ्लाई हो जाता है। तो अभी करवा चौथ का क्या कलेक्शन है उस हिसाब से मैंने आज का सैटरडे लाइव डिसाइड किया है। तो बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स है जो मैं लाइव में दिखाने वाली हूँ इन अ वेरी ब्यूटीफुल बेस्ट रेंज, एकदम बेस्ट बोले ना तो जो होते ना जितना पॉसिबल हो सके वो बेस्ट फ्रेंड रखा है करवा चौथ के लिए। सो एनीवेज लेट मी गो गेट रेडी एंड देन कम बैक। सो मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब मैंने बाल नहीं सेट किया, बाल को सेट करना बाकी और इयररिंग भी चेंज करना बाकी है। इयररिंग में मैं आज क्या पहनने वाली हूँ मैं आपको बताऊँ, आज फर्स्ट टाइम मैं पहनने वाली हूँ फ्री धागा वाला इयररिंग, एक आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। अभी तक मेरे पास कलेक्शन में कभी भी फ्री धागा आया नहीं था और मुझे बहुत जन पूछ रहे थे इशिता फ्री धागा वाला इयररिंग है क्या, तो जैसे जैसे मुझे दिखते जाते वैसे वैसे मैं स्टॉक लेते जाती हूँ। सो दिस इज़ द बेसिकली सुई धागा वाला इयररिंग, ये कितना सुंदर है, नीचे इसको मोती है और ऊपर ऐसा डायमंड है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए।
ये देखिए इसको ऐसा आप लोग दो पैटर्न में पहन सकते हो, ऊपर का जो डायमंड है उसको ऊपर रख के नीचे लटकन कर सकते हो, या तो दोनों को साइमल्टेनियसली सेम लेंथ पे रख सकते हो। मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। देखिए मैंने पहन लिया है, एक को मैंने कैसा रखा है देखिए, इतना डिस्टेंस पे रखा है और एक को थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रखा है। तो आपको चाहिए तो आप ऐसा भी पहन सकते हो, ये सुविधागा जो फॉर्म में है, पीछे मोती ये पर्ल है और आगे इसको डायमंड का डिज़ाइन है, गोल्ड पॉलिश में बहुत सुंदर है और दिखने भी अच्छा है। कुछ नया अलग सा है, नहीं तो वही इयरिंग्स टॉप्स वगैरह रहते हैं, आज इयरिंग्स भी है बट दिस इज न्यू, तो आई थॉट आई विल वेयर दिस ओनली एंड स्टार्ट द लाइफ। तो इसका प्राइस है ओनली 135 रुपीज का है ये, और अंदर पूरा यहाँ पे ये डायमंड है, पूरा चेन है एंड नीचे पर्ल है और स्क्रू नहीं है खोलने के लिए। बेसिकली सुविधागा में कैसे स्क्रू होता है जिसको आपको खोलना पड़ता है, यहाँ पे जो पर्ल है ना, यहाँ पे इसका सुई है, उसको आपको सिर्फ पुल करना है और पहनने के बाद उसे वापस टक कर देना है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा भी आपको कुछ करना नहीं है। या आप ऐसे ड्रेस के साथ पहन सकते हो, साड़ी के साथ पहन सकते हो, वन पीस अगर आपके पास ड्रेस होगा ना, गाउन वगैरह उसके साथ आप पहन सकते हो। थोड़ा अलग डिज़ाइन है एंड लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं सेट हो चुकी हूँ, ज्वेलरी थोड़ा निकाल देती हूँ, बाल को सेट करती हूँ और लाइव को स्टार्ट करती हूँ।
आज का भी डे होता है एंड। हम लोग ताई के पास से आए और नीचे भी आज 12 बजे तक गरबा और डांडिया है, तो नीचे 10:30 बजे कुछ सवा दस तक मैं आ गई। और फिर रेशमा के साथ आधा घंटा हम लोग ने खेला, उसके बाद मैं ऊपर आई। एक्चुअली मुझे खेलना था 11:30 बजे तक, बट रीज़न ये है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, फुल डे हम लोग का जाने वाला है। अभी हम क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब आपको कल के व्लॉग में दिखने वाला है। सो डू वॉच टुमॉरोज़ व्लॉग, आपको कल का व्लॉग भी बहुत पसंद आने वाला है। कल ही बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली कल के ब्लॉग के बारे में। और इसके लिए मुझे जल्दी आना पड़ा, तो मैं आधा घंटा ही खेल के आई और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। मतलब शूट करते रहूंगी तो सब रह जाएगा, तो फटाफट खेल लेती हूँ। तो बैग रख दिया था साइड में निकिता के पास और मैं खेलने में ही हो गई थी। खेला आधा घंटा, उसके बाद ऊपर आए, अभी भी खेल रहे नीचे। एक सर्कल बीच में जो है वो डांडिया खेल रहे और बड़ा सर्कल जो है वो गरबा वाला खेल रहे। 12 बजे तक खेलेंगे, अभी तो 12:45 हो गया और 15 मिनट बाकी है। सैटरडे संडे 12 बजे तक का टाइम दिया से एवरीबडी इज एंजॉइंग। और आज सब लोग इतना सुंदर पूरा वो प्रॉपर गरबा और डांडिया के अटायर में आए थे, नवरात्रि के अटायर में फुल ड्रेस वगैरह पहन के, तो अच्छा लग रहा था देखने में। सो आज का डे हो गया एंड, वाइंड अप हो गया है। सानू अभी बैठी है मम्मी डैडी के साथ, सुशांत सो गया है और अभी मैं थोड़ा सा फेस को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद एडिटिंग कर लेती हूँ। और आज का ब्लॉग सच में बहुत लेट आया। एक्चुअली क्या हुआ, कल रात को मैं ताई के पास से ही बहुत लेट आई, तो मैंने सिर्फ एडिटिंग करके रख दिया था। सुबह उठने के बाद उसको अपलोड किया, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड किया। जब तक वो यूट्यूब पर अपलोड हो गया तब तक ऑलमोस्ट 10:00 बज के जा चुका था और मुझे 11:30 बजे लाइव स्टार्ट करना था। तो उस व्लॉग के पीछे चली जाती तो मेरा लाइव का तैयारी नहीं हो पाता था। तो मैंने खाना बना लिया, लाइव स्टार्ट कर दिया, लाइव खत्म हो गया। लाइव खत्म होते होते फिर मुझे दोपहर का मम्मी डैडी को खाना सर्व करना पड़ा, वाइंड अप करना पड़ा। ऐसे करते करते 3:30 बज गया और फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे, इसी तरह व्लॉग नहीं आता। मुझे स्ट्राइक हुआ कि ओ गॉड, आज व्लॉग ही नहीं गया, 4 बजने आ रहा है करके। फिर मैंने फटाफट उसके जैसा सब थंबनेल्स रेडी किए, डिस्क्रिप्शन जो करना होता है वो किया, टाइटल सब डाला और उसके बाद फिर उसको पब्लिश किया। तो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, अगर बट इट्स ओके समटाइम। उधर आपको आपकी वैल्यू समझ में आती है कि आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। अगर रोज ब्लॉग जाता है टाइम पे तो सबको पता ही आ गया है, देख लेते। बट जब नहीं जाता है, लेट जाता है, तो जब मुझे मैसेजेस आते हैं कि इसी तरह ब्लॉग अब तक आया नहीं, आने वाला है, नहीं आएगा, या तो लेट आने के बाद जब ब्लॉग देख लेने के बाद मुझे कमेंट करते ना, इसी तरह लेट ब्लॉग आया बट अच्छा लगा सर, तब रियलाइज होता है कि आपकी वैल्यू क्या है। कितने लोग आपके लिए वेट करते कि मेरा व्लॉग आएगा, वो लोग देखेंगे कि मेरा डे कैसे स्पेंड हुआ, मैंने क्या क्या किया। समटाइम येस व्लॉग्स आर लिटिल बोरिंग, बट दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एवरी डे तो आई कांट एंटरटेन ऑल ऑफ यू ऑल। कभी कभी होता है अप्स एंड डाउन, कभी कभी थोड़े बोरिंग व्लॉग्स हो जाते हैं, बट एटलीस्ट कंटिन्यूटी में हो रहा है, आप लोगों को सब पता चल रहा है फ्लो में क्या चल रहा है। अगर बोरिंग भी होता है तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि अरे आज कुछ खास नहीं तो क्या शूट करूँ, जाने देता हूँ, स्किप करती हूँ। जो भी होता है, जैसे भी होता है, ट्राई टू शूट इट एनी वेज। आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग हियर ओनली। कल के ब्लॉग में आप लोग को मिलती हूँ, कल का ब्लॉग जरूर देखना, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। कल के ब्लॉग में जब मैं ओपन करूंगी ना, तभी आप लोगों को बताऊंगी कि कल का डे क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हु ऑल आर गोइंग टू कम इन द ब्लॉग और क्या क्या आप लोग को देखने मिलेगा। तो प्लीज कल का ब्लॉग जरूर देखना एंड टेक केयर, एंजॉय नवरात्रि, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू।